हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखा जाए तो TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी एक नंबर एक पर रहे थे, कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर एक, कभी TCS। तो यही ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन दोनों का है, कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन अब इन दोनों कंपनीज को पछाड़ के ये बनेगा इंडिया का नंबर 1 शेयर, मतलब नंबर 1 शेयर इन दोनों से कहीं आगे निकल जाएगा ये शेयर। अब आप सोचेंगे यार कौन सा शेयर है। अब आप, मैं कहूँगा कि हर कोई इंडिया का छोटा छोटा बच्चा, बुजुर्ग लोग तो जरूर इसको जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी, बहुत भरोसेमंद हर तरह से ये कंपनी मानी जाती है। चलिए जानते हैं कौन सी ये कंपनी है, कैसे जुड़ी है घर घर से ये कंपनी, उसके बारे में भी जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। आपने नाम सुना होगा, अब तक बहुत LIC खरीदी होंगी इंश्योरेंस को, आजकल सब LIC। बहुत पुराने टाइम से आजकल तो लोग LIC को एज अ 80C का जो टैक्स डिडक्ट सेविंग होती है ना, उसके तहत खरीदते हैं। लेकिन LIC बहुत पुरानी एक कंपनी है, ये मान के चलिए कि बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, इसके पास खूब पैसा भरा हुआ है, लोगों का प्रीमियम, लोगों ने आधा आधा प्रीमियम भर के छोड़ देते हैं, वो भी इसी का हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं मिलती है, तो सब कुछ इसका हो जाता है। तो इसलिए LIC रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS को पछाड़ के इंडिया की मोस्ट वैल्यूड फर्म बनने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे अब तक ये कंपनी लिस्ट क्यों नहीं हुई। भाई अब तक ये कंपनी, देखिए गवर्नमेंट की कंपनी आपको पता है, अब ये प्रपोज कर रही है लिस्टिंग को, मतलब लिस्ट होना चाहती है शेयर मार्केट। अभी तक आपने देखा कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, ICICI की हो, HDFC की हो, सारे धीरे धीरे करके मार्केट में लिस्ट हो रही हैं। तो LIC कह रही है मैं क्यों पीछे रहूं। अब ये भी गवर्नमेंट के साथ अपना IPO का प्लान लेके आ रही है, अब गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है और प्रपोज कर रही है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है IPO। तो अगर आप देखें इसके अंदर 31 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट, अभी देखिए 48,000 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था और ऊपर से 31 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, भाई बहुत जबरदस्त मैं कहूँगा। अगर आप TCS की बात करो तो 7.91, ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ का TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज की फर्म्स है, यहाँ पे LIC कहीं आगे इनसे निकल रही है। आप खुद सोचिए जब इसका IPO आएगा, यकीन मानिए जिस दिन इसका IPO आएगा उस दिन लोग ऐसा सब्सक्राइब होने वाला है, ये लोग 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना तक, क्योंकि काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी नाम है, हर कोई यही सुनेगा LIC का IPO। अरे भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, LIC का IPO सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक रिफॉर्म आएगा अगर ये IPO का अप्रूवल मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें हैं और गवर्नमेंट का जो मेगा डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अंडर ये भी लिस्टेड है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जबरदस्त ये भाई IPO आने वाला है आने वाले टाइम पे LIC का। तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं LIC के IPO के बारे में, क्या ये IPO आना चाहिए, IPO आना चाहिए तो कितना सब्सक्राइब ये हो सकता है। कमेंट के थ्रू आप अपनी राय जरूर बताएं कि कितना सब्सक्राइब ये IPO हो सकता है, कैसा आपको ये लग रहा है कि अगर ये IPO आएगा तो कैसा इसका फ्यूचर रह सकता है, क्या ये काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा या सो थोड़ा थोड़ा मतलब नॉर्मल रहेगा। आपकी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और अगर आपने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। LIC का IPO आते ही जब ये इसकी और इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।